सो फाइनली मैं आपसे यहाँ आके बात कर रहा हूँ, वो भी क्यों ये बता दूँ, क्योंकि इस समय हम लोग हैं उस रिजॉर्ट में जो नेपाल का शायद सबसे फेमस रिजॉर्ट है। यूपी से कई लोग इस रिजॉर्ट में आते हैं और पार्टी करते हैं, मालूम है क्यों? दो रीजन है इसके। एक तो लिकर बहुत ईजिली अवेलेबल है, जो कि बिहार में तो अवेलेबल नहीं है, वो आप सब लोग जानते हो। एंड सेकेंड रीज़न इज दिस कि यहाँ पर कसिनो में खेला जा सकता है, आप कसिनो आ सकते हैं। और वो भी एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, यहाँ पर नेपाली लोग कसिनो में नहीं एंटर कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस अगर आते हैं तो वो आ सकते हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं वो भी आ सकते हैं, बट नेपाली नहीं। इसे कहते हैं स्मार्ट ट्रिक, हमारे देश वाले सिर्फ कमाएं एंड इंडिया वाले नाव पे लगाएं तो लगाएं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं तो पूल में जाने वाला हूँ, एंड उसके लिए हम लोग जा रहे हैं कॉस्ट्यूम लेने के लिए। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि चलो स्विमिंग ही कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर कसिनो भी जा सकते थे बट गए नहीं। लेकिन एक बात है, टाइगर रिजॉर्ट में यू हैव टू बाय स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स। ये देखिए मैंने अपने ले लिया, सिर्फ शॉर्ट्स मिलते हैं मेल के लिए, एंड फीमेल के लिए क्या है ये, ओके तो पूरी ड्रेस मिलती है फीमेल्स को। व्हाई दिस कोला वेरी डी, ये हमारे साथ ही ऐसा नाटक क्यों? लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप सीन देखिए, आप नज़ारा देखिए, मन करता है किसी नज़ारे में खो जाएं और इसी के हो जाएं। एंड आप मेरी सिस्टर को देख सकते हैं कितनी मस्ती कर रही है वो। हाँ, तो टाइगर पैलेस रिजॉर्ट है नेपाल में, आप आराम से आ सकते हैं। यूपी में कहीं से भी, गोरखपुर और बिहार से बहुत सारे लोग आते हैं, लखनऊ से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो हाँ, यहाँ के स्विमिंग पूल में अगर आपको उतरना है तो आपको रिसेप्शन के पास लॉबी है, और उसमें आपको कॉस्ट्यूम शॉप है। कॉस्ट्यूम शॉप में आपको मेल फीमेल दोनों कॉस्ट्यूम मिल जाएंगे, पे करना है, एंड कुछ 800 नेपाली का आपको मेल कॉस्ट्यूम मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ शॉर्ट्स मिलते हैं, और फीमेल के लिए कवर्ड अप स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं। उसका कुछ 1600 नेपाली से लेकर के 2000 नेपाली रुपीज़ या ऐसे प्राइस रेंज है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम दोनों चलते हैं पूल के अंदर, उसके बाद मुलाकात ज़रूर करेंगे आपसे। सी यू। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली सुबह हो गई और अब समय हो चुका है कि हम यहाँ नेपाल से निकलें और इंडिया की तरफ चलें। वैसे रात बहुत अच्छी रही है और काफ़ी तगड़ी नींद आई, क्योंकि 48 आवर्स में हम लोग सिर्फ 3 घंटा सोए थे, कहाँ 3 घंटा और कहाँ 8 घंटे की प्यारी नींद। लेकिन कल रात को हम लोगों ने पूरी 8 घंटे की नींद ली है और अब समय आ गया है कि वतन वापसी की तरफ चलें। तो इंडिया की तरफ हम जा रहे हैं, और साथ ही एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के टाइम में नेपाल के, मतलब नेपाल के टाइम में और इंडिया के टाइम में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ का टाइम इंडिया के टाइम से 15 मिनट आगे चलता है, मतलब अगर इंडिया में सुबह के 8:30 हो रहे हैं तो यहाँ सुबह के 8:45 हो रहे होंगे। तो उसका भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जब आप यहाँ पे होते हो कि कहाँ का टाइम, यहाँ का या वहाँ का। और यहाँ पर करेंसी भी एक्सेप्टेड है, इंडियन करेंसी। अगर आप 100 रुपीज़ तक का नोट देते हो तो वो एक्सेप्टेड है, और उसके ऊपर का कुछ दिनों पहले तक था या एक साल पहले तक था, बंद कर दिया गया डिनोमिनेशन। लेकिन 100 रुपीज़ तक का नोट एक्सचेंज आप यहाँ पर दे सकते हो और वो एक्सेप्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये बात अलग है कि मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया हूँ नेपाल बॉर्डर के अंदर। इस समय मैंने पहले ऑर्डर किया है अंडा पराठा, एंड वो मेरे सामने रखा हुआ है यहाँ पे। एंड नाउ बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ पे, इसीलिए पहले मैं खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ और मिलवाता हूँ आपको किसी ऐसे पर्सन से जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी। रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि यूट्यूब पे डाल पाए। हाँ, फ्रेंड्स फाइनली समय आ गया है उनसे मिलाने का जिन्होंने कल मेरी बहुत मदद की थी, एंड वो शख्स हैं ये। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार राणा है। सुरेश कुमार राणा, और आपकी जो शॉप है वो बॉर्डर से, नेपाली बॉर्डर से अंदर आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो पीछे आपको नेपाली बॉर्डर दिख रही है, वहाँ से अंदर आएंगे जैसे ही तो ये शॉप आपको दिखेगी। एंड इस शॉप का नाम क्या है? खाना खजाना। ये देखिए, हाँ ये बाहर आपको इनका खाना खजाना दिखाई देगा। खाना खजाना नाम है, बाहर आउटलेट ऐसा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कल हुआ क्या। कल हम यहाँ पर आए तो हमारे पास इंडियन करेंसी बिल्कुल नहीं थी, तो उन्होंने कहा आप एटीएम से निकाल लीजिए। तो बोले आपके पास कौन सा एटीएम है? मैंने कहा मेरे पास एक्सिस का एटीएम है। तो बोले एक्सिस के एटीएम में यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है, थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे लाइट बहुत आ रही है। हाँ, बोले एक्सिस का एटीएम यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है,
तो आपको करना ये होगा कि आपको वापस 7 किलोमीटर अंदर जाना होगा इंडिया की बॉर्डर में, वहां पर आपको एटीएम मिलेगा। तब इन्होंने मुझे बताया कि बाहर जाइए, ऐसे कार्ड स्वाइप कराइए, इतना कटेगा उतना कटेगा और आपको पैसा मिल जाएगा। वो तो वो, लेकिन मेरे पास अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए भी इंटरनेट नहीं था। तब भाई साहब ने मुझे अपनी शॉप का वाईफाई दिया, देखिए वाईफाई यहाँ पर है, एंड उसके बाद मैं अमाउंट ट्रांसफर कर पाया। तो आज मैंने इनके अंडा पराठा खाया है, कोल्ड ड्रिंक पी है। तो क्या कहना चाहेंगे सब? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आइएगा हमारे दुकान पे दोबारा। ओके, एंड आपका आपके स्पेशलिटी क्या है आपकी दुकान? स्पेशलिटी हमारा वही अंडा पराठा। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। हाँ मिलाई मुझसे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। एंड ये रही इंडिया की लिस्ट, एक बार लिस्ट दिखा दे रहा हूँ आपको। ये रेड लिस्ट है, ये नेपाली करेंसी में है। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और जब भी आप इंडिया आए, लखनऊ आए, मुझसे जरूर मिलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय नेपाल, जय नेपाल। बात तो है, नेपाल में बहुत जाम लगता है। इस समय हम लोग बॉर्डर पे हैं, एंड इतना लंबा जाम है कि बता नहीं सकता। नेपाल और इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए बॉर्डर गेट को थोड़ा सा ब्रॉड कर दें, ज़रूरी है। पसीने पसीने हो रहा हूँ।